हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस, VKB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम BA पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में प्रथम यूनिट का जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में संविधान के परिचय, संविधान की परिभाषा और संविधानों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालेंगे। संविधान को किसी भी देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। संविधान को क्या कहा जा सकता है? किसी भी देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। संविधान शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ शासन करने वाले सिद्धांत से है। ये माना जाता है कि सर्वप्रथम संविधान का निर्माण एथेंस में हुआ था, लेकिन आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान के निर्माण के लिए 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का संविधान है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक युग का सबसे छोटा लिखा हुआ संविधान भी अमेरिका का ही है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मुनरो ने लिखा है कि अमेरिका के संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में अंकित है और जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का सबसे छोटा लिखा हुआ संविधान कहाँ का है? तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका का। मित्रों, सैद्धांतिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा का विचार ब्रिटेन के नागरिक हेनरी मेन ने प्रस्तुत किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर अपन देखें तो सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? हेनरी मेन ने। कहाँ के नागरिक थे? ब्रिटेन के नागरिक थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए कहाँ संविधान सभा का गठन किया गया था? अमेरिका में। मित्रों, अरस्तु के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जिसे किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अरस्तु क्या कहता है? संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जिसे किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। जेलिनिक के शब्दों में, संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। ये कोटेशन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी, ये है कथन किसका है? तो हमें ध्यान रखना है जेलिनिक का है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं संविधान की परिभाषाओं पर। संविधान को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ले रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा अपन ले लें गिलक्रेस्ट की। गिलक्रेस्ट का कथन है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। गिलक्रेस्ट क्या कहता है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। दूसरी परिभाषा अपन यहां ले रहे हैं ब्राइस की। ब्राइस के शब्दों में, संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। ब्राइस का क्या कथन है कि संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। तीसरी परिभाषा अपन यहाँ ले रहे हैं उलझे की। उलझे के अनुसार उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है। उलझे की एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो हमें ध्यान रखनी है कि उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संविधान में निम्नलिखित बातें निश्चित की जाती हैं। नंबर 1, व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध। नंबर 2, शासक व शासित का पारस्परिक संबंध। और नंबर 3, सरकार के संगठन, उनके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध। तो यहाँ अपन ने चर्चा की संविधान की परिभाषाओं पर, और यहाँ अपन ने 3 विद्वानों की परिभाषाएं ली हैं, गिलक्रेस्ट की, ब्राइस की और उलझे की। अब अपन चर्चा करेंगे संविधानों के वर्गीकरण पर। संविधानों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि
उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर संविधान जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकसित संविधान और दूसरे होते हैं निर्मित संविधान। विकसित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान और निर्मित संविधान के उदाहरण है अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, फ्रांस का संविधान। विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा किसी निश्चित समय पर नहीं किया जाता, अर्थात विकसित संविधान का आधार परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज और न्यायिक निर्णय होते हैं। अब अपन ले रहे हैं निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी संविधान सभा जैसी संस्था द्वारा किसी निश्चित समय पर किया जाता है, जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे भारत का संविधान। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। आपसे पूछा जा सकता है विकसित संविधान का उदाहरण तो ब्रिटेन का, और निर्मित संविधान का उदाहरण तो आपको याद रखना है अमेरिका का संविधान इसका उदाहरण है। अब दूसरा अपन ले रहे हैं, इसमें संविधान में प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है संविधान में प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलिखित संविधान और दूसरे होते हैं लिखित संविधान। अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिनके अधिकांश प्रावधान लेखबद्ध नहीं होते, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान जो हैं वो प्रथाओं पर, परंपराओं पर और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, अर्थात अलिखित संविधानों में प्रथाओं, परंपराओं, अभिसमयों और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे संविधान है लिखित संविधान। ऐसे संविधान जिनके अधिकांश प्रावधान लेखबद्ध होते हैं लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ये लिखित संविधान के उदाहरण हैं। अब अपन आगे ले रहे हैं संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण। तो संविधानों की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लचीला संविधान और दूसरा होता है कठोर संविधान। हमें ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है जबकि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। ऐसा संविधान जिसमें व्यवस्थापिका अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है लचीले संविधान की श्रेणी में आता है, और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका द्वारा एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। कठोर संविधान का जो उदाहरण है अमेरिका का संविधान है, और हमें ध्यान रखना है कि 1789 में अमेरिका का संविधान लागू किया गया था, लेकिन अब तक अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका का संविधान जो है वो एक कठोर संविधान है जिसमें अमेरिकी कांग्रेस अपने साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती है। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।